चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। रुकिए रुकिए रुकिए, अब क्या आलम जीतेगा? नवी नेता जी के साथ आला जमाल भाई एकदम जाकार रहेगा। देखो अच्छा से कर दो, मीडिया वाला फोटो ले लेता है। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। अभी हम बिहार की ओराई विधानसभा में हैं और महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार आफताब आलम जी के साथ हैं। आफताब आलम साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत चलचित्र अभियान में। आफताब साहब, आपका तो तीसरे फेज में चुनाव है, प्रचार आपका काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्या मुद्दे हैं जो मुख्य रूप से आप लोग इस बार उठा रहे हैं चुनाव में? ये हम लोग के जो ओराई विधानसभा का जो मुख्य मुद्दा है कि ये विधानसभा 42 पंचायत का है, इसमें दो ब्लॉक आते हैं, कटरा एक ओराई। ओराई का 26 पंचायत है, कटरा का 16 पंचायत है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्योंकि लोग चांद पे जा रहे हैं लेकिन हमारी ओराई विधानसभा की जनता आज भी चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। इस विधानसभा में हम लोग विगत 5 सालों से जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस विधानसभा के को कलंकित करने का है, वो है चचरी का पुल। क्योंकि हम लोग जो 5 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं वो 32 चचरी का पुल है ओराई विधानसभा के अंदर। हम जिस प्रखंड में बैठे हुए हैं, ये कटरा प्रखंड का इलाका है, आपको अगर अपने प्रखंड में जाना पड़ेगा, अपने ब्लॉक में अगर जाना पड़ेगा, तो आपको चचरी का पुल पार करना पड़ेगा आज भी, और एक नहीं दो दो तीन तीन पार करके जाना पड़ता है। अगर बाइक से जाएंगे तो आपको 100 रुपया लगेगा, 4 व्हीलर से जाएंगे तो 200 रुपया लगेगा। और आप उस कटरा से आपको शुरू करते हैं, जैसे बसघट्टा है, बरैठा है, डुमरी है, मोहनपुर है, कोयलामन है, अतरार है, अमनौर है, परसामा है, ये सारे जगह आज भी चचरी का पुल है। लोग चचरी के पुल पर चलते हैं, हम लोग के बाप दादा चचरी के पुल पर चल के मर गए, लेकिन आज तक वहाँ पर पुल बना नहीं। और हम लोगों ने 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी फाइलें जो हैं हमारे नीतीश बाबू के NDA में जो सरकार चल रही थी उनके टेबल पर पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो सका है, तो हम उसको मुद्दा बनाए हैं। दूसरा जो हमारा मुद्दा है शिक्षा का, स्कूल जो है ओराई विधानसभा के अंदर दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर भवन नहीं है, बच्चे खुले आसमान में पढ़ते हैं। इसी जगह बगल का एक पंचायत है लखनपुर, वहाँ पर एक तवक्कलपुर गांव है, दलित की बस्ती है, वहाँ बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। जब बारिश होती है तो स्कूल नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ भवन नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। इसी का बगल का एक गाँव है आपको चंगेल, जिसका एक गाँव है बर्दवारा, वहाँ भी भवन नहीं है, बच्चे खुले आसमान में पढ़ते हैं। इसी जगह आपको एक क्या बोलते हैं बुकची कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे डिग्री कॉलेज तो है लेकिन वो भवन नहीं है, डेस्क बेंच नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं है। आपको मीडिया वाले आपको पता होगा कि अजय निशा जो BJP के सांसद है, उन्होंने जजवारा पश्चिमी को गोद लिया था कि वहाँ पर विकास होगा, लेकिन आपको बता दें गांव है वहाँ पर सेहरा टोला, 1500 घर है, 1500 की आबादी है, ना वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, ना हेल्थ सेंटर है, इवन के रोड तक भी नहीं है। अब वो बच्चे जो अमीर के हैं तो अपना पैसा दे के किराया दे के दूर 8 किलोमीटर जाते हैं, नहीं गरीब का बच्चा अभी भी नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उस गांव में उस इलाका में स्कूल तक नहीं है, इवन के रोड भी नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो खाट पर लाद के उसको ले जाया जाता है। ये आपके ओराई विधानसभा की कड़वी सच्चाई है। फिर आपको एक आप बागमती हाई स्कूल है जनार बिदौर के अंदर में, वो बागमती के अंदर वो स्कूल चला गया, लेकिन आज तक 15 साल में जो NDA की सरकार रही, BJP की सरकार रही, उस शासनकाल में आज तक वो हाई स्कूल नहीं बन सका, वो प्राइवेट इस भवन में मतलब एक घर में वो हाई स्कूल चल रहा है। तो मतलब एक बिल्डिंग तक नहीं बनी है। जी, बिल्डिंग तक नहीं बनी है, तो मैंने उसको मुद्दा बनाया है। भ्रष्टाचार है यहाँ पर, 12-12 हत्याएँ हो गई है, आज तक उस हत्यारों को सजा नहीं मिला, उसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहे, उसको मैंने मुद्दा बनाया। अब स्वास्थ्य का ये मामला है कि 2.45 लाख की आबादी वाला ये विधानसभा, उसमें सिर्फ 2 एम्बुलेंस है, सही से हॉस्पिटल जितने भी हेल्थ सेंटर हैं सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, आज तक वो सेंटर खुल नहीं सके। तो हम लोग ने उस चीज़ को मुद्दा बना के हम लोग आप जनता के बीच जा रहे हैं। आफताब साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक तरफ चचरी के पुल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, निम्न शिक्षा की सुविधाएं नहीं है,
जो हम पूरे बिहार में इस बार घूम रहे हैं, वहाँ पर एक चीज़ जो साफ नज़र आ रही है कि भाई इस तरह से इस बार शायद स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे शायद जात पात या सांप्रदायिकता से ज़्यादा मजबूत मुद्दे बन रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसे बेरोज़गारी का मुद्दा हो या इसे चचरी के पुल हो या शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल हो, ये पहले भी लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ये चुनावी मुद्दे नहीं बन जाते थे क्योंकि अंत में आके चुनाव जात पात या जातीय समीकरण या हिंदू मुस्लिम पर आके बन जाता था। 15 साल में जनता जो है मतलब त्रस्त हो गई है, गरीब के मुँह से निवाला भी छीन लिया गया है। जो आलू 5 रुपये 10 रुपये के जी था, आज के डेट में 40 से 45 रुपये हो गया। प्याज 80 से 90 रुपया हो गया। जो 300 रुपया में जो जाते थे ट्रेन से लोग, आज 3000 रुपया में जा रहे हैं। गरीब इस 15 शासन राज से, ये जो कहते थे 15 साल पहले का कि जंगल राज है, ये तो अभी राक्षस राज चल रहा है और गरीबों को इन्होंने चूस लिया। ये जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, मंदिर मस्जिद करने से जनता समझ गई उससे पेट भरने वाला नहीं है। गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये बुनियादी सुविधा चाहिए। लेकिन उसको कब तक आप मुंगेरी लाल के सपने दिखाते रहिएगा कि हम मंदिर, ठीक है मंदिर तो बन रहा है भव्य मंदिर, क्या उससे गरीबों का भला हो जाएगा? आज भी उस मंदिर में कैठो SC ST OBC के लोगों को शामिल किया गया है। तब जनता समझ गई है कि ये जो घरा है अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लोग परेशान है। ये जो अभी लॉकडाउन का मामला हुआ, अब तो अमीरों के लिए, रईसों के लिए तो प्लेन से विदेश से लोगों को मंगाया। इसी हमारे विधानसभा के अंदर 36 घर से साइकिल चला के गरीब आए हैं, उनको ट्रेन तक मुहैया नहीं कराया गया। कितने लोग पैदल चल के आए हैं। इसी जगह आपके पड़ोस का ही है ज्योति पासवान, अपने बूढ़े बाप को 1300 किलोमीटर साइकिल से चला के लेके आए थे। कितने दुख की बात है। और हम लोगों ने इसी मुद्दा को लेके कंसंट्रेट किए हुए हैं। वो जहाँ जात पात की बात करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि नहीं चचरी मुक्त होना चाहिए, क्योंकि चचरी पे हिंदू भाई भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, सबके लिए बेजरूरी है। तो इसलिए हम जो मुद्दे को लेके जा रहे हैं, जनता के मुद्दे के लिए लेके जा रहे हैं, गरीबों की आवाज़ को उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ 12-12 हत्याएँ हो गई थी, चाहे दिलीप राय की हत्या हो, अदिति कुमारी की हत्या हो, अशोक शर्मा की हत्या हो, अशोक राम की हत्या हो, राजखंड में 2-2 हत्याएं हो गई। सारे हत्याओं में हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किया ताकि उनको इंसाफ हो। राहुल चौधरी की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ इंसाफ पैसे पे बिक रहा है। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कम से कम ये सरकार जो राक्षस सरकार चल रही है इसको बदला जा सके। आफ्ताब साहब, इस सरकार की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप एक साथ साथ में इंसाफ मंच नाम के एक संगठन में आप बहुत एक्टिव रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आपका क्या काम रहा है। देखिए, एक इंसाफ मंच जो बना था वो मतलब आपको याद होगा उससे 2013 में जब मोदी जी की रैली हुई थी, उसमें किसी ने बम ब्लास्ट किया था, वो समझिए कि पूरा मतलब प्लान वे में था। उसके बाद जो है इनोसेंट जो भी माइनॉरिटीज़ के थे, दलितों के थे, उन लोगों को उठाया गया था, उसके शिकार मुझे भी बनना पड़ा। तब जब हम लोग आए तो जब लगा कि जब मुझ जैसे लोगों को भी लोग छोड़े नहीं, बदनाम करने की पूरी कोशिश की है, तो उसके बाद इंसाफ मंच के हमारी जो पार्टी है भाकपा माले, उन्होंने इंसाफ मंच का गठन किया मुझ पे ही, जब मुझे देखते हुए और वहाँ से कंसंट्रेट करके पूरे बिहार के अंदर जहाँ जहाँ पे दलितों को और माइनॉरिटीज़ को जो उठाया गया था उसकी लड़ाई को लड़ी गई बड़े पैमाने पर। जो उस टाइम में NIA का ये दर्द दिखा कर कि भाई आतंकवाद का झूठा इल्ज़ाम लगा लगा कर जो नौजवानों को उठाया जा रहा था, उसी को रोकने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इंसाफ मंच बना था। आज भी हम लोग, हमारा जो इंसाफ जो संगठन है वो 22 मुश्किल से बिहार के सारे ज़िलों में काम कर रहा है। अब जिस तरह की आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, अब मतलब ऐसा भी नहीं रहा है कि ये केवल बिहार तक सीमित रहा है या कि सिर्फ पिछड़े इलाकों में, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे एक्टिविस्ट जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी किसी न किसी रूप में, आज उनको ही दंगों के लिए दोषी बना बना के उनको दिल्ली में अरेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो पिंजरा तोड़ की महिला हो, बहुत सारे और इस तरह के एक्टिविस्ट हो, खालिद सैफी हो, बाकी लोग हों, ये आपको क्या लग रहा है और बिहार में आपका ये अनुभव क्या रहा है? क्योंकि आप इंसाफ मंच में खुद रहे हैं, आप खुद इसके एक किस्म से भुक्तभोगी भी रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये जो सरकार जो चल रही है, सेंटर में हो चाहे स्टेट में, हर जगह जहाँ पर उसकी सरकार है, वो पूरा मतलब हिटलर के साथ राह पर वो चल रही है। वो पूरा जो भारत का जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उस संविधान को वो कुचल कर वो मनुवाद को इस देश में लागू करना चाहते हैं वो। और उसके बीच में जो समाजवादी लोग हैं,
जो सेकुलर लोग हैं, जो संविधान बाबा साहब भी हम लोग के संविधान पे चलना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों को, उनके जो उनके खिलाफ कर आवाज़ उठा रहे हैं, जो अगर इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, कोई माइनॉरिटी का इंटेलेक्चुअल तबका अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, अगर कोई दलित से कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको माओवादी कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं गौतम नलखा हो, चाहे वो पंसारे हो, ये जिन लोगों को देखिए, सुधा भारद्वाज हो, उन सारे लोगों को ये जो वो, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो उन सारे विरोधों की आहार तो सबको, उन लोगों की आवाज़ को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हिटलर ने किया था उसी तरह से ये हमारे जो देश में जो सरकार चल रही है मोदी जी की, वो उसी तरह से कुचलना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो विकास का नारा दिया था, अच्छे दिन काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सारे तो ख़त्म हो चुके हैं, इनके सारे सब चुनावी जुमले थे, उनको उतरे नहीं, अब जनता उनको सवाल कर रही है, तो ये झूठा आतंकवाद का, माओवादी का, ये झूठा राष्ट्र, फर्जी राष्ट्रवाद का नारा ये अलाप रहा है, लेकिन अब इनका सारा चीज़ खत्म हो रहा है धीरे, एक एक स्टेट देखिएगा इनके हाथ से निकलता जा रहा है, और बिहार भी फर्स्ट फेज में भी संदेश चला गया है, पहला फेज भी इनका देख ही रहे हैं, तो बिहार से भी इनकी छुट्टी होने वाली, इनकी विदाई तय है। आप जो कह रहे हैं इनकी विदाई तय है, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, माले का यहाँ पर मैं एक अलग से आपको सवाल पूछूं तो, माले का यहाँ पर एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, एक किस्म, कई किस्म के संघर्षों का इस राज्य में कम से कम, और उसमें से एक बड़ा संघर्ष था लैंड रिफॉर्म या भूमि वितरण का, वो उस नज़रिए से अगर विकास के मॉडल को देखा जाए तो वो मुद्दा आज कितना आपके लिए, आज भी कितना जीवित है वो मुद्दा, उसकी कितनी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ क्या आपका एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इस राज्य के लिए होगा, और पिछले सरकारों से या जो जिनको आप लोग लेफ्ट में पूंजीपति पार्टियां कहेंगे उनके मुकाबले आपका क्या मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हमारा जो बना है ये मैनिफेस्टो, उसको आप पढ़ेंगे, पहले ये बात जो अभी जो हम लोग की पार्टी ने जो समर्थन दी है, तो हम लोग की पार्टी ने कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब ये कंडीशन मतलब कि बनेंगे, उन्होंने साफ लिख के दे दिया है कि अब बनने के बाद मैं आपके इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहा हूँ, मंत्रिमंडल ये मुझे नहीं चाहिए। जो वादा है, जो जनता से तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं, जो गठबंधन में हम लोग शामिल हुए हैं, तो कि जो सरकार चल रही है वो तो पूरा राक्षस राज चला रही है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पार्टी गठबंधन की है, और जो मुद्दा पार्टी जिस मुद्दे को लेकर चल रही थी वो उस चीज़ को गठबंधन में रहकर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी, हम लोग उस मुद्दे से कभी हट ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है दलितों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों के, आज भी देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी के बाद जो गरीबों के पास जो लैंड रिफॉर्म का ही है, क्योंकि आज भी लाखों लोग हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, रहने को घर नहीं है, उसकी लड़ाई तो पार्टी लड़ रही है, उसको छोड़ ही नहीं सकती है। सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले तेजस्वी जी भी बोले कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी उनको देना होगा, नौकरी कैसे नहीं देंगे, उसके बाद फिर वो उसका लैंड रिफॉर्म का मामला है वो तो होगा ही, वो और आसान हो जाएगा जब गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम लोग तो पहला काम करेंगे उस मुद्दे से, तो कभी हटे नहीं और हटेंगे भी नहीं, अगर हम सत्ता में रह के अगर सरकार अगर उस मुद्दे को अगर छोड़ेगी तो फिर हम सत्ता के सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी शुरू से लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी, और हम लोग की पार्टी ने जो समर्थन दिया है ये नहीं कहा कि हमको डिप्टी सीएम चाहिए, हमको मंत्रालय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता का जो सवाल है, जनता के सवाल जिस मैनिफेस्टो बना है उस मैनिफेस्टो को ईमानदारी से लागू होना चाहिए, और हमारी पार्टी उसको लागू कराने की 100% कोशिश करें। ये थे बिहार के औराई विधानसभा सीट से आफताब आलम साहब, जो कह रहे हैं कि विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले इस चुनाव को जातिवाद पर या सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर लाने की, लेकिन जनता टिकी रहेगी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार जैसे बुनियादी मामलों में। उम्मीद कर सकते हैं कि ये सिर्फ बिहार में ही नहीं लेकिन पूरे देश में यही चुनावी मुद्दे बने। आप लोग जुड़े रहें चलचित्र अभियान के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफताब साहब। थैंक आफताब आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद आफताब आलम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।